आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा सागर में। आज की हमारी कहानी है जयशंकर प्रसाद जी की लिखी कहानी पुरस्कार। आशा करती हूँ पसंद ज़रूर आएगी। अगर कहानी पसंद आए और मेरे इस चैनल पर आप पहली बार कहानियाँ सुन रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही इसे जल्दी से अपने दोस्तों और जानकारों में शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य लोग भी इन कहानियों से जुड़ सकें। तो आइए इस छोटी सी कहानी की शुरुआत करते हैं। आर्द्रा नक्षत्र, आकाश के काले काले बादलों की घुमड़, जिसमें देव दुंदुबी का गंभीर घोष। प्राची के एक निरभ्र कोने से स्वर्ण पुरुष झांकने लगा था, देखने लगा महाराज की सवारी। शैल माला के अंचल में समतल उर्वरा भूमि से सौंधी बास उठ रही थी। नगर तोरण से जय घोष हुआ। भीड़ में गजराज का चारमधारी शुंड उन्नत दिखाई पड़ा। वो हर्ष और उत्साह का समुद्र हिलोर भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। प्रभात की हेम किरणों से अनुरंजित नन्ही नन्ही बूंदों का एक झोंका स्वर्ण मल्लिका के समान बरस पड़ा। मंगल सूचना से जनता ने हर्ष ध्वनि की। रथों, हाथियों और अश्वारोहियों की पंक्ति जम गई। दर्शकों की भीड़ भी कम न थी। गजराज बैठ गया। सीढ़ियों से महाराज उतरे। सौभाग्यवती और कुमारी सुंदरियों के दो दल आम्र पल्लवों से सुशोभित मंगल कलश और फूल, कुमकुम तथा खीलों से भरे थाल लिए मधुर गान करते हुए आगे बढ़े। महाराज के मुख पर मधुर मुस्कान थी। पुरोहित वर्ग ने स्व सत्यायन किया। स्वर्ण रंजित हल मूठ पकड़कर महाराज ने जुते हुए सुंदर पुष्ट बैलों को चलने का संकेत किया। बाजे बजने लगे। किशोरी कुमारियों ने खीलें और फूलों की वर्षा की। कौशल का ये उत्सव प्रसिद्ध था। एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ता। उस दिन इंद्र पूजन की धूमधाम होती, गोट होती। नगर निवासी उस पहाड़ी भूमि में आनंद मनाते। प्रतिवर्ष कृषि का ये महोत्सव उत्साह से संपन्न होता। दूसरे राज्यों से भी युवक राजकुमार इस उत्सव में बड़े चाव से आकर अपना योगदान देते। मगध का एक राजकुमार अरुण अपने रथ पर बैठा बड़े कौतूहल से यह दृश्य देख रहा था। बीजों का एक थाल लिए कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी। बीज बोते हुए महाराज जब हाथ बढ़ाते तब मधुलिका उनके सामने थाल कर देती। ये खेत मधुलिका का था जो इस साल महाराज की खेती के लिए चुना गया था, इसीलिए बीज देने का सम्मान मधुलिका को ही मिला। वो कुमारी थी, सुंदरी थी। कैशेय वसन उसके शरीर पर इधर उधर लहराता हुआ स्वयं शोभित हो रहा था। वो कभी उसे संभालती और कभी अपनी रूखी अलकों को। कृषक बालिका के शुभ्र भाल पर श्रम कणों से भी कोई कमी न थी। वो सब बरौनियों में गुथे जा रहे थे। सम्मान और लज्जा उसके अधरों पर मंद मुस्कुराहट के साथ सिहर उठते, किंतु महाराज को बीज देने में उसने शिथिलता नहीं की। सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे विस्मय से, कुतूहल से, और अरुण देख रहा था कृषक कुमारी मधुलिका को। आहा, कितना भोला सौंदर्य है, कितनी सरल चितवन है। उत्सव का प्रधान कृत्य समाप्त हो गया। महाराज ने मधुलिका के खेत को पुरस्कार दिया। थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं, वो राजकीय अनुग्रह था। मधुलिका ने थाली सिर से लगा ली, किंतु साथ उसमें की स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्योछावर करके बिखेर दिया। मधुलिका की उस समय की ऊर्जस्वित मूर्ति लोग आश्चर्य से देखने लगे। महाराज की भ्रुकुटी भी जरा चढ़ी ही थी कि मधुलिका ने सविनय कहा, देव, ये मेरे पितृ पितामहों की भूमि है, इसे बेचना अपराध है, इसलिए मूल्य स्वीकार करना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। महाराज के बोलने से पहले ही वृद्ध मंत्री ने तीखे स्वर से कहा, अबोध, क्या बक रही है? राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार? तेरी भूमि से चौगुना मूल्य है। फिर कौशल का तो ये सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम है। तू आज से राजकीय रक्षण पाने की अधिकारिणी हुई। इस धन से अपने को सुखी बना। राजकीय रक्षण की अधिकारिणी तो सारी प्रजा है मंत्रीवर। महाराज को भूमि समर्पण करने में मेरा कोई विरोध न था और ना ही है, किंतु मूल्य स्वीकार करना असंभव है। मधुलिका उत्तेजित हो उठी थी। महाराज के संकेत करने पर मंत्री ने कहा, देव,
वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर सिंह मित्र की ये एकमात्र कन्या है। महाराज चौंक उठे, सिंह मित्र की कन्या, जिसने मगध के सामने कौशल की लाज रख ली थी, उसी वीर की मधुलिका कन्या है। हां देव, सविनय मंत्री ने कहा, इस उत्सव के परंपरागत नियम क्या है मंत्रीवर? महाराज ने पूछा। देव, नियम तो बहुत साधारण है। किसी भी अच्छी भूमि को इस उत्सव के लिए चुनकर नियम अनुसार पुरस्कार स्वरूप उसका मूल्य दे दिया जाता है, वो भी अत्यंत अनुग्रहपूर्वक, अर्थात भू संपत्ति का चौगुना मूल्य उसे मिलता है। उस खेती को वही व्यक्ति वर्ष भर देखता है, वो राजा का खेत कहा जाता है। महाराज को विचार संघर्ष से विश्राम की अत्यंत आवश्यकता थी। महाराज चुप रहे। जय घोष के साथ सभा विसर्जित हुई। सब अपने अपने शिविरों में चले गए, किंतु मधुलिका को उत्सव में फिर किसी ने न देखा। वो अपने खेत की सीमा पर विशाल मधुक वृक्ष के चिकने हरे पत्तों की छाया में अनमनी सी चुपचाप बैठी रही। रात्रि का उत्सव अब विश्राम ले रहा था। राजकुमार अरुण उसमें सम्मिलित नहीं हुआ, अपने विश्राम भवन में जागरण कर रहा था। आंखों में नींद न थी। प्राची में जैसी गुलाबी खिल रही थी, वो रंग उसकी आंखों में था। सामने देखा तो मुंडेर पर कपोती एक पैर पर खड़ी पंख फैलाए अंगड़ाई ले रही थी। अरुण उठ खड़ा हुआ। द्वार पर सुसज्जित अश्व था। वो देखते देखते नगर तोरण पर जा पहुंचा। रक्षकगण ऊंग रहे थे। अश्व के पैरों के शब्द से चौंक उठे। युवक कुमार तीर सा निकल गया। सिंधु देश का तुरंग प्रभात के पवन से पुलकित हो रहा था। घूमता घूमता अरुण उसी मधुक वृक्ष के नीचे पहुंचा, जहां मधुलिका अपने हाथ पर सिर धरे हुए खिन्न निद्रा का सुख ले रही थी। अरुण ने देखा, एक छिन्न माधवी लता वृक्ष की शाखा से च्युत होकर पड़ी है। सुमन मुकुलित भ्रमर निष्पन्न थे। अरुण ने अपने अश्व को मौन रहने का संकेत किया उस सुषमा को देखने के लिए, परंतु कोकिल बोल उठा। जैसे उसने अरुण से प्रश्न किया, छी, कुमारी के सौंदर्य पे दृष्टिपात करने वाले धृष्ट, तुम कौन हो? मधुलिका की आंखें खुल पड़ी। उसने देखा एक अपरिचित युवक खड़ा है। वो संकोच से उठ बैठी। भद्रे, तुम ही नकल के उत्सव की संचालिका रही हो? उत्सव? हाँ, उत्सव ही तो था कल उस सम्मान। क्यों, आपको कल का स्वप्न सता रहा है भद्र? आप क्या मुझे इस अवस्था में संतुष्ट न रहने देंगे? मेरा हृदय तुम्हारी उस छवि का भक्त बन गया है देवी, मेरे उस अभिनय का, मेरी विडंबना का। आह, मनुष्य कितना निर्दयी है, अपरिचित। क्षमा करो, जाओ अपने मार्ग। सरलता की देवी, मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। मेरे हृदय की भावना अवगुंठन में रहना नहीं जानती, उसे तो अपनी। राजकुमार, मैं कृषक बालिका हूँ, आप नंद बिहारी और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली। आज मेरी स्नेह की भूमि पर से मेरा अधिकार छीन लिया गया। मैं दुख से विकल हूँ, मेरा उपहास न करो। मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि तुम्हें दिलवा दूंगा। नहीं, वो कौशल का राष्ट्रीय नियम है, मैं उसे बदलना नहीं चाहती, चाहे उससे मुझे कितना ही दुख हो। तब तुम्हारा रहस्य क्या है? ये रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं। राजकुमार, नियमों से यदि मानव हृदय बाध्य होता तो आज मगध के राजकुमार का हृदय किसी राजकुमारी की ओर न खींचकर एक कृषक बालिका का अपमान करने न आता। मधुलिका ये कहकर उठ खड़ी हुई। चोट खाकर राजकुमार लौट पड़ा। किशोर किरणों में उसका रक्त किरीट चमक उठा। अश्व वेग से चला जा रहा था और मधुलिका निष्ठुर प्रहार करके क्या स्वयं आहत न हुई थी? उसके हृदय में टीस सी होने लगी थी। वो सजल नेत्रों से उड़ती हुई धूल देखने लगी। मधुलिका ने राजा का प्रतिपादन अनुग्रह नहीं लिया। वो दूसरे खेतों में काम करती और चौथे पहर रूखी सूखी खाकर पड़ी रहती। मधुक वृक्ष के नीचे छोटी सी पर्ण कुटीर थी। सूखे डंठलों से उसकी दीवार बनी थी। मधुलिका का वही आश्रय था। कठोर परिश्रम से रूखा अन्न मिलता, वही उसकी सांसों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। दुबली होने पर भी उसके अंग पर तपस्या की कांति थी। आसपास के कृषक उसका आदर करते। वो एक आदर्श बालिका थी। दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष बीतने लगे।
शीतकाल की रजनी, मेघों से भरा आकाश जिसमें बिजली की दौड़ धूप, मधुलिका का छाजन टपक रहा था। ओढ़ने की कमी थी, वो ठिठुर कर एक कोने में बैठी थी। मधुलिका अपने अभाव को आज बढ़ाकर सोच रही थी। जीवन से सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं, परंतु उनकी आवश्यकता कल्पना के साथ बढ़ती घटती रहती है। आज बहुत दिनों पर उसे बीती हुई बात स्मरण हुई। 2, नहीं नहीं, 3 वर्ष हुए होंगे, इसी मधुक के नीचे प्रभात में तरुण राजकुमार ने क्या कहा था, वो अपने हृदय से पूछने लगी। उन चाटुकारी के शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक सी वो पूछने लगी, क्या कहा था। दुख दग्ध हृदय उन स्वप्न सी बातों को स्मरण कर सकता था, और स्मरण ही होता तो भी कष्टों की इस काली निशा में वो कहने का साहस करता। हाय रे विडंबना। आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा लेने के लिए विकल थी। दारिद्र्य की ठोकरों ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया है। मगध की प्रसाद माला के वैभव का काल्पनिक चित्र उन सूखे डंठलों के रंध्रों से नप में बिजली के आलोक में नाचता हुआ दिखाई देने लगा। खिलवाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकाता है, वैसे ही मधुलिका मन ही मन कह रही थी। अभी वो निकल गया। वर्षा ने भीषण रूप धारण किया, गड़गड़ाहट बढ़ने लगी, ओले पड़ने की संभावना थी। मधुलिका अपनी जर्जर झोपड़ी के लिए कांप उठी। सहसा बाहर कुछ शब्द हुआ, कौन है यहां, पथिक को आश्रय चाहिए। मधुलिका ने डंठलों का कपाट खोल दिया, बिजली चमक उठी। उसने देखा एक पुरुष घोड़े की डोर पकड़े खड़ा है। सहसा वो चिल्ला उठी, राजकुमार, मधुलिका। आश्चर्य से युवक ने कहा। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। मधुलिका अपनी कल्पना को सहसा प्रत्यक्ष देखकर चकित हो गई। इतने दिनों बाद आज फिर, अरुण ने कहा। कितना समझाया मैंने, लेकिन। मधुलिका अपनी दयनीय अवस्था पर संकेत करने देना नहीं चाहती थी। उसने कहा, और आज उसकी ये क्या दशा है। सिर झुकाकर अरुण ने कहा, मैं मगध का विद्रोही निर्वासित कौशल में जीविका खोजने आया हूं। मधुलिका उस अंधकार में हंस पड़ी। मगध के विद्रोही राजकुमार का स्वागत करे एक अनाथिनी कृषक बालिका, ये भी एक विडंबना है, तो भी मैं स्वागत के लिए प्रस्तुत हूं। शीतकाल की निस्तब्ध रजनी, कोहरे में धुली हुई चांदनी, हाड़ कपा देने वाला समीर, तो भी अरुण और मधुलिका दोनों पहाड़ी गद्वर के द्वार पर वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए बातें कर रहे हैं। मधुलिका की वाणी में उत्साह था, किंतु अरुण जैसे अत्यंत सावधान होकर बोलता था। मधुलिका ने पूछा, जब तुम इतनी विपन्न अवस्था में हो तो फिर इतने सैनिकों के साथ रहने की क्या आवश्यकता है। मधुलिका, बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है, ये मेरे जीवन मरण के साथी हैं, भला मैं इन्हें कैसे छोड़ देता, और करता ही क्या। क्यों, हम लोग परिश्रम से कमाते और खाते, अब तो तुम भूल ना करो, मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूँ, नए राज्य की स्थापना कर सकता हूँ, निराश क्यों हो जाऊं। अरुण के शब्दों में कंपन था, वो जैसे कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं सकता था। नवीन राज्य, ओहो, तुम्हारा उत्साह तो कम नहीं, भला कैसे, कोई ढंग बताओ तो मैं भी कल्पना का आनंद ले लूं। कल्पना का आनंद नहीं मधुलिका, मैं तुम्हें राजरानी के सम्मान में सिंहासन पर बिठाऊंगा, तुम अपने छिने हुए खेत की चिंता करके भयभीत न हो। एक क्षण में सरल मधुलिका के मन में प्रमाद का अंधड़ बहने लगा, द्वंद्व मच गया। उसने सहसा कहा, आह, मैं सचमुच आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी राजकुमार। अरुण ढिटाई से उसके हाथों को दबाकर बोला, तो मेरा भ्रम था, तुम सचमुच मुझे प्यार करती हो। युवती का वक्षस्थल फूल उठा, वो हाँ भी नहीं कह सकी और ना भी नहीं। अरुण ने उसकी अवस्था का अनुभव कर लिया। कुशल मनुष्य के समान उसने अवसर को हाथ से न जाने दिया, तुरंत बोल उठा, तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों से पण लगाकर मैं तुम्हें इस कौशल सिंहासन पर बिठा दूं। मधुलिके, अरुण के खड़क का आतंक देखोगी। मधुलिका एक बार कांप उठी, वो कहना चाहती थी नहीं, किंतु उसके मुंह से निकला क्या।
सत्य मधुलिका, कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित हैं, ये मैं जानता हूँ। तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना वो अस्वीकार न करेंगे, और मुझे ये भी विदित है कि कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए बहुत दूर चले गए हैं। मधुलिका की आंखों के आगे बिजलियां हंसने लगीं। दारुण भावना से उसका मस्तक विकृत हो उठा। अरुण ने कहा, तुम बोलती नहीं हो? जो कहोगे वो करूंगी, मंत्रमुग्ध सी मधुलिका ने कहा। स्वर्ण मंच पर कौशल नरेश अर्धनिद्रित अवस्था में आंखें मुकुलित किए हैं। एक चामरधारिणी युवती पीछे खड़ी अपनी कलाई बड़ी कुशलता से घुमा रही है। चामर के शुभ्र आंदोलन उस प्रकोष्ठ में धीरे धीरे संचालित हो रहे हैं। तांबूल वाहिनी प्रतिमा के समान दूर खड़ी है। प्रतिहारी ने आकर कहा, जय हो देव, एक स्त्री कुछ प्रार्थना करने आई है। आंख खोलते हुए महाराज ने कहा, स्त्री प्रार्थना करने आई है, आने दो। प्रतिहारी के साथ मधुलिका आई, उसने प्रणाम किया। महाराज ने स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें कहीं देखा है मैंने। 3 बरस हुए देव, मेरी भूमि खेती के लिए ली गई थी। ओ, तो तुमने इतने दिन कष्ट में बिताए, आज उसका मूल्य मांगने आई हो, क्यों? अच्छा अच्छा, तुम्हें मिलेगा। प्रतिहारी, नहीं महाराज, मुझे मूल्य नहीं चाहिए। मूर्ख, फिर क्या चाहिए? उतनी ही भूमि, दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की जंगली भूमि, वही मैं अपनी खेती करूंगी। मुझे सहायक मिल गया है, वो मनुष्यों से मेरी सहायता करेगा। भूमि को समतल भी बनाना होगा। महाराज ने कहा, कृषक बालिके, वो बड़ी ऊबड़ खाबड़ भूमि है, तिस पर वो दुर्ग के समीप एक सैनिक महत्व रखती है। तो फिर मैं निराश लौट जाऊं महाराज? सिंह मित्र की कन्या, मैं क्या करूं, तुम्हारी ये प्रार्थना। देव, जैसी आज्ञा हो आपकी। जाओ, तुम श्रमजीवियों को उसमें लगाओ, मैं अमात्य को आज्ञापत्र देने के लिए आदेश करता हूं। जय हो देव, कहकर प्रणाम करती हुई मधुलिका राज मंदिर के बाहर आई। दुर्ग के दक्षिण भयावने नाले के तट पर घना जंगल है। आज मनुष्यों के पद संचार से शून्यता भंग हो रही थी। अरुण के छिपे हुए मनुष्य स्वतंत्रता से इधर उधर घूमते थे। झाड़ियों को काटकर पथ बन रहा था। नगर दूर था, फिर उधर यूं ही कोई नहीं आता था। फिर अब तो महाराज की आज्ञा से वहां मधुलिका का अच्छा खेत बन रहा था, तब इधर की किसको चिंता होती। एक घने कुंज में अरुण और मधुलिका एक दूसरे को हर्षित नेत्रों से देख रहे थे। संध्या हो चली थी। उसी निवीड़ वन में उन नवागत मनुष्यों को देखकर पक्षीगण अपने नीड को लौटते हुए अधिक कोलाहल कर रहे थे। प्रसन्नता से अरुण की आंखें चमक उठी। सूर्य की अंतिम किरण झुरमुट में घुसकर मधुलिका के कपोलों से खेलने लगी। अरुण ने कहा, 4 प्रहर और, विश्वास करो, प्रभात में ही इस जीन कलेश्वर कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रावस्ती में तुम्हारा अभिषेक होगा, और मगध से निर्वासित मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनूं। भयानक अरुण, तुम्हारा साहस देख मैं भी चकित हो रही हूं। केवल 100 सैनिकों से तुम? रात के 3रे प्रहर मेरी विजय यात्रा होगी, तो तुमको इस विजय पर विश्वास है? अवश्य, तुम अपनी झोपड़ी में रहकर रात बिताओ, प्रभात से तो राज मंदिर ही तुम्हारी लीला निकेतन बनेगा। मधुलिका प्रसन्न थी, किंतु अरुण के लिए उसकी कल्पना कामना शशंक थी। वो कभी कभी उद्विग्न सी होकर बालकों के समान प्रश्न कर बैठती। अरुण उसका समाधान कर देता। सहसा कोई संकेत पाकर उसने कहा, अच्छा, अंधकार बहुत अधिक हो गया है, अभी तुम्हें दूर जाना है, और मुझे भी प्राणपण से इस अभियान के प्रारंभिक कार्यों को अर्धरात्रि तक पूरा कर लेना चाहिए, तब रात्रि भर के लिए विदा, हे मधुलिके। मधुलिका उठ खड़ी हुई। कंटीली झाड़ियों से उलझती हुई क्रम से बढ़ने वाले अंधकार में वो झोपड़ी की ओर चली। पथ अंधकारमय था और मधुलिका का हृदय भी निवीड़ तम से घिरा था। उसका मन सहसा विचलित हो उठा, मधुरता नष्ट हो गई। जितनी सुख कल्पना थी वो जैसे अंधकार में विलीन होने लगी। वो भयभीत थी। पहला भय उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ, यदि वो सफल न हुआ तो? फिर सहसा वो सोचने लगी, वो क्यों सफल हो?
श्रावस्ती का दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए? मगध का चिर शत्रु, ओह उसकी विजय। कौशल नरेश ने क्या कहा था? सिंह मित्र की कन्या, सिंह मित्र कौशल का रक्षक वीर, उसी की कन्या आज क्या करने जा रही है? नहीं नहीं मधुलिका, मधुलिका नहीं। जैसे उसके पिता उस अंधकार में पुकार रहे थे, वो पगली की तरह चिल्ला उठी, रास्ता भूल गई। रात एक पहर बीत चली, पर मधुलिका अपनी झोपड़ी तक ना पहुंची। वो उधेड़ बुन में विक्षिप्त सी चली जा रही थी। उसकी आंखों के सामने कभी सिंह मित्र और कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में चित्रित होती जाती। उसे सामने आलोक दिखाई पड़ा। वो बीच पथ में खड़ी हो गई। प्रायः 100 उल्काधारी अश्वारोही चले आ रहे थे और आगे आगे एक वीर अधेड़ सैनिक था। उसके बाएं हाथ में अश्व की वलगा और दाहिने हाथ में नग्न खड़ग। अत्यंत धीरता से वो टुकड़ी अपने पथ पर चल रही थी, परंतु मधुलिका बीच पथ से हिली नहीं। प्रमुख सैनिक पास आ गया, पर मधुलिका अब भी नहीं हटी। सैनिक ने अश्व रोककर कहा, कौन? कोई उत्तर नहीं मिला। तब तक दूसरे अश्वारोही ने कड़क कर कहा, तू कौन है स्त्री? कौशल के सेनापति को उत्तर शीघ्र दे। रमणी जैसे विकारग्रस्त स्वर में चिल्ला उठी, बांध लो, मुझे बांध लो, मेरी हत्या करो, मैंने अपराध ही ऐसा किया है। सेनापति हंस पड़े, बोले, पगली है। पगली नहीं, यदि वही होती तो इतनी विचार वेदना क्यों होती? सेनापति, मुझे बांध लो, राजा के पास ले चलो। क्या है, स्पष्ट कह। श्रावस्ती का दुर्ग एक प्रहर में दस्युओं के हस्त हो जाएगा। दक्षिणी नाले के पार उनका आक्रमण होगा। सेनापति चौंक उठे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, ये तू क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूं, शीघ्रता करो। सेनापति ने 80 सैनिकों को नाले की ओर धीरे धीरे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं 20 अश्वारोहियों के साथ दुर्ग की ओर बढ़े। मधुलिका एक अश्वारोही के साथ बांध दी गई। श्रावस्ती का दुर्ग कौशल राष्ट्र का केंद्र इस रात्रि में अपने विगत वैभव का स्वप्न देख रहा था। भिन्न राजवंशों ने उसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया है। अब वो केवल कई गांवों का आधिपत्य है। फिर भी उसके साथ कौशल के अतीत की स्वर्ण गाथाएं लिपटी हैं, वही गाथाएं जो लोगों की ईर्ष्या का कारण है। जब थोड़े से अश्वारोही बड़े वेग से आते हुए दुर्ग द्वार पर रुके, तब दुर्ग के प्रहरी चौंक उठे। उल्का के आलोक में उन्होंने सेनापति को पहचाना। द्वार खोला गया। सेनापति घोड़े की पीठ से उतरे। उन्होंने कहा, अग्निसेन, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? सेनापति की जय हो, 200। उन्हें शीघ्र ही एकत्र करो, परंतु बिना किसी शब्द के। 100 को लेकर तुम शीघ्र ही चुपचाप दुर्ग के दक्षिण की ओर चलो, आलोक और शब्द न हो। सेनापति ने मधुलिका की ओर देखा, वो खोल दी गई। उसे अपने पीछे आने का संकेत करके सेनापति राजमंदिर की ओर बढ़े। प्रतिहारी ने सेनापति को देखते ही महाराज को सावधान किया। वो अपनी सुख निद्रा के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, किंतु सेनापति और साथ में मधुलिका को देखते ही चंचल हो उठे। सेनापति ने उन्हें कहा, जय हो देव, स्त्री के कारण मुझे इस समय उपस्थित होना पड़ा है। महाराज ने स्थिर नेत्रों से देखकर कहा, सिंह मित्र की कन्या, फिर यहां क्यों? क्या तुम्हारा क्षेत्र नहीं बन रहा है, कोई बाधा? सेनापति, मैंने दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की भूमि इसे दी है, क्या उसी संबंध में तुम कहना चाहते हो? देव, किसी गुप्त शत्रु ने उसी ओर से आज की रात में दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रबंध किया है और इसी स्त्री ने मुझे पथ में यह संदेश दिया है। राजा ने मधुलिका की ओर देखा, वो कांप उठी। घृणा और लज्जा से वो गड़ी जा रही थी। राजा ने पूछा, मधुलिका, ये सत्य है? हां देव। राजा ने सेनापति से कहा, सैनिकों को एकत्र करके तुम चलो, मैं भी आता हूं। सेनापति के चले जाने पर राजा ने कहा, सिंह मित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल का उपकार किया। ये सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया है। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, पहले मैं उन आतताइयों का प्रबंध कर लूं। अपने साहसिक अभियान में अरुण बंदी हुआ और दुर्ग उल्का के आलोक में अति रंजित हो गया। भीड़ ने जय घोष किया, सबके मन में उल्लास था। श्रावस्ती दुर्ग आज दस्युओं के हाथ में जाने से बचा।
अबाल वृद्ध नारी आनंद से उन्मत्त हो उठे। उषा के आलोक में सभा मंडप दर्शकों से भर गया। बंदी अरुण को देखते ही जनता ने रोष से हुंकार करते हुए कहा, वध करो वध करो। राजा ने सबसे सहमत होकर आज्ञा दी, प्राण दंड। मधुलिका बुलाई गई, वो पगली सी आकर खड़ी हो गई। कौशल नरेश ने पूछा, मधुलिका तुझे जो पुरस्कार लेना हो मांग। वो चुप रही। राजा ने कहा, मेरी निज की जितनी खेती है मैं सब तुम्हें देता हूं। मधुलिका ने एक बार बंदी अरुण की ओर देखा। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा, नहीं मैं तुझे अवश्य दूंगा, मांग ले तो मुझे भी प्राणदंड मिले। ये कहते हुए वो बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको आज की हमारी ये प्रेम से विभोर हुई कहानी पसंद ज़रूर आई होगी। प्रेम कई रूपों में इंसान के सामने आता है। कई बार दोनों लोग आपस में परस्पर प्रेम करते हुए भी एक दूसरे की इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में उनका मन संपन्न होता है कि वो क्या सही है और क्या गलत है इसमें परस्पर भेदभाव कर सकें। और यही आज की इस कहानी में था। सिद्धांतों के आगे जिस प्रकार से मधुलिका ने अरुण को भी नहीं कुछ समझा, वही चीज़ है जो देशभक्ति कहलाती है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बस यही हिदायत देती है कि हमें भी अपने सिद्धांतों के ऊपर हमेशा दृढ़ रहना है, कभी भी उन सिद्धांतों से डिगना नहीं है। तो जल्दी ही आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आप सब लोगों से विदा लेना चाहती हूँ। आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।